आज दिल्ली में बैठा हुआ है, जो हुकूमत है आज दिल्ली में बैठी हुई है, जिनको हमने बनाया है, उनके तख्त हिल जाने चाहिए। तिरंगे को लहराने के लिए हमारे देशभक्तों ने शहादतें दी, आज आरएसएस ने उसको तोड़ने की कोशिश की। बीजेपी के एजेंडे को खत्म करना होगा, इस देश की तानाशाही को हम नहीं स्वीकार करेंगे। इस किसान आंदोलन को इतिहास में दर्ज करना जाना है। इस किसान आंदोलन को इतिहास में दर्ज करना जाना है। इतिहास के अंदर हमारे बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे कि देश के अंदर एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में रखी गई थी, जो 36 बिरादरियों की महापंचायत थी। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि आरएसएस और बीजेपी ने जो एजेंडा खड़े किए हैं, उसके विरुद्ध किसान आंदोलन की 36 बिरादरी आज मुजफ्फरनगर के इस मंच पर विराजमान होकर आज काले कानूनों को वापस करवाने के लिए और आज अपनी एमएलसी पे कानून बनवाने के लिए यहाँ आई हुई है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, जिस तिरंगे को लहराने के लिए हमारे देशभक्तों ने आज शहादतें दी, आज आरएसएस ने उसको तोड़ने की कोशिश की। और बीजेपी के एजेंडे को खत्म करना होगा, इस देश की तानाशाही को हम नहीं स्वीकार करेंगे। एक जोरदार नारा जय किसान का जरूर चाहेंगे, इस देश के पूरे पंडाल से आना चाहिए, ताकि जो तख्त आज दिल्ली में बैठा हुआ है, जो हुकूमत है आज दिल्ली में बैठी हुई है, जिनको हमने बनाया है, उनके तख्त हिल जाने चाहिए। इस किसान आंदोलन को इतिहास में दर्ज करना जाना है। इतिहास के अंदर हमारे बच्चे इस इतिहास को पढ़ेंगे कि देश के अंदर एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में रखी गई थी, जो 36 बिरादरियों की महापंचायत थी। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि आरएसएस और बीजेपी ने जो एजेंडा खड़े किए हैं, उसके विरुद्ध किसान आंदोलन की 36 बिरादरी आज मुजफ्फरनगर के इस मंच पर विराजमान होकर आज काले कानूनों को वापस करवाने के लिए और आज अपनी एमएलसी पे कानून बनवाने के लिए यहाँ आई हुई है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, जिस तिरंगे को लहराने के लिए हमारे देशभक्तों ने आज शहादतें दी, आज आरएसएस ने उसको तोड़ने की कोशिश की। और बीजेपी के एजेंडे को खत्म करना होगा, इस देश की तानाशाही को हम नहीं स्वीकार करेंगे। एक जोरदार नारा जय किसान का जरूर चाहेंगे, इस देश के पूरे पंडाल से आना चाहिए, ताकि जो तख्त आज दिल्ली में बैठा हुआ है, जो हुकूमत है आज दिल्ली में बैठी हुई है, जिनको हमने बनाया है, उनके तख्त हिल जाने चाहिए। जय जवान, जय जवान, बोले।